हम हर वर्ष दिवाली के दिन चोपड़ा पूजन तो करते हैं, पर ये चोपड़ा पूजन करने के पीछे का रीजन क्या, ये चोपड़ा पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का इतिहास क्या, ये प्रथा कब से शुरू हुई, इस पर हमने थोड़ा रिसर्च किया और हमें पता चला कि भगवान महावीर के निर्वाण के 470 वर्ष बाद पूज्यपाद आचार्य श्री सिद्धसेन दिवाकर सूर्यश्वजी महाराज साहब हुए थे, जो कि कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता है, और उन्हीं के समय में राजा विक्रमादित्य भी थे। विक्रमादित्य जो कि सिद्धसेन दिवाकर सूर्यश्वजी महाराज साहब से प्रतिबोध पाकर और जैन धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने जैन धर्म अपनाया था, तो उन्हीं के समय की यह बात है। दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन सारे किसान मिलकर राजा के दरबार में गए और राजा से विनंती की कि राजन, इस वर्ष बारिश अच्छी नहीं होने के कारण हम अच्छी फसल नहीं उगा पाए और जिससे हमारी कमाई नहीं हो सकी, और इसके वजह से हम जो साहूकारों से हमने कर्ज लिया था वो हम कर्ज चुका नहीं पा रहे, और साहूकार भी हमें बार बार कह रहे हैं कि आप हमारा कर्ज चुकाइए, वे भी परेशान हो रहे हैं पर हम मजबूर हैं, हम कर्ज नहीं चुका पा रहे, तो इस पर आप ही कुछ कीजिए। और तभी राजन ने इस पर थोड़ा विचार किया और फिर राजन ने सारे सौकारों को बुलाया और सारे सौकारों को कहा कि आप जाकर अपने अपने चौपड़े लेकर आओ कि किससे कितना रुपया आपका बाकी है, और तभी सारे सौकार राजन के दरबार में गए चौपड़ा लेकर, फॉर एग्जाम्पल 5,000-7,000 जिनका भी जितना बाकी था उस सारा राज भंडार से राजन ने सबका हिसाब क्लियर कर दिया और जिनके भी जितने पैसे बाकी थे सबको वो पैसे मिल गए और इस तरह से सारे किसान इस कर्ज से मुक्त हो गए। और तभी राजन ने यह ऐलान किया कि अभी आप बाजार में जाकर नए बुक्स लेकर आओ और आज ही के दिन आप ये बुक्स की पूजन करेंगे, यानी चोपड़ा पूजन करेंगे, चोपड़ा पूजन करके आप कल से नया हिसाब शुरू करेंगे, और इस तरह से यह प्रथा शुरू हुई और इसलिए हम लोग चोपड़ा पूजन करते हैं, क्योंकि यह घटना दिवाली के दिन ही बनी थी राजन के समय में, और इसलिए हम दिवाली के दिन चोपड़ा पूजन करते हैं ताकि पुराने जो भी सब हिसाब है वो नील और अगले दिन से हम नया हिसाब शुरू करते हैं। और जब हम चोपड़ा पूजन करते हैं तब परमात्मा से हम यही प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा ऐसे मुझे सद्बुद्धि देना कि मैं नीति से ही कमाई करूं, इस तरह से हम परमात्मा से आशीर्वाद के लिए हम ये चोपड़ा पूजन करते हैं, ये चोपड़ा पूजन की प्रथा यहाँ से शुरू हुई थी। तो इस तरह से ये चोपड़ा पूजन करने के पीछे का रीजन है। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो, त्रिविध त्रिविध मिच्छामि दुर्गम, जय केसरीनाथ जी की।